आप सबने बहुत लोगों से सुना होगा कि वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट स्मार्टफोन्स होते हैं आईफोन्स। मेरे पास है इंडिया का चीपेस्ट आईफोन, आईफोन SE। इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा वीडियोग्राफी टेस्ट में, इस वीडियो में वही हम टेस्ट करने वाले हैं। डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस में, जैसे सुबह और फिर रात को, सेल्फी एंड रियर कैमरा दोनों को मैंने अच्छा खासा टेस्ट किया। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हाई क्वालिटी में देखना और साथ ही साथ देखते रहना कि भाई डायनेमिक रेंज कैसा मेंटेन कर पा रहा है, एक्सपोजर कैसा मेंटेन कर रहा है, ऑटो फोकसिंग इश्यूज है कि नहीं और स्टेबलाइजेशन कैसा है, और एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा। आईफोन SE का बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखा है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, वो भी हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर रेगुलर बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स के भी रिव्यूज आते हैं और आईफोन्स के भी आती रहती है, वो भी चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को शुरू करते हैं। रियर कैमरा का नाइट सैंपल है, 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ। नॉर्मली हैंडल्ड पकड़ रखा है मैंने और नॉर्मली चल रहा हूँ, स्टेबल चलने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली चल रहा हूँ। इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। 1080p 60fps पे इसलिए शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डार्क आ रहा था, तो 30fps पे मैंने शिफ्ट किया और यहाँ पे सब क्लियर दिख रहा है और फोकसिंग इश्यूज भी नहीं है। हल्का सा यहाँ पे लेंस फ्लेयर टाइप देखने को मिल रहा है, अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद है तो बढ़िया लगेगा, मेरे को थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है। उसके अलावा सही है यार, मतलब स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है बढ़िया लग रहा है। अभी PC में डाल के देखना पड़ेगा कि स्टेबलाइजेशन इसका असली में कैसा है। अभी शिफ्ट करता हूँ सेल्फी कैमरा की तरफ। फ्रंट कैमरा का नाइट सैंपल 1080p 30fps इसका अपर लिमिट है, उस पर शूट कर रहा हूँ। इसमें भी आपको कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, ऑफकोर्स OIS नहीं है, स्टेबलाइजेशन लिखा है, सिनेमैटिक स्टेबलाइजेशन लिखा है वेबसाइट पे। आपको आइडिया लग रहा होगा स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा है। मैं कहीं बाहर वगैरह नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल अपने घर के सामने हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मत शुरू हो जाना। बिल्कुल सामने सामने ऐसे ही शूट कर रहा था और मास्क वगैरह भी पहन रखा है। थोड़ा सा वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जूम्ड इन भी नहीं लग रहा है, तो वो मेरे को ठीक लगा इसका। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि साउंड वगैरह कैसा आ रहा है और नॉर्मली चलने पे कितना स्टेबल है या कितना स्टेबल नहीं है। ये वीडियो शूट हो रहा है 1080p 60fps पे। जैसे कि आप सबको पता होगा इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है, और स्मार्ट HDR मैंने ऑन कर रखा है, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसा एडजस्ट कर रहा है जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लाइटिंग सिचुएशन है क्योंकि बिल्कुल ब्राइटली लिट नहीं है। आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे बारिश हो रहा है, मैं अम्ब्रेला लेके खड़ा हूँ यहाँ पर, फिर भी ये अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। अगर मैं स्काइज की बात करूँ तो रियलिस्टिकली कैप्चर कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसका फोटो कैमरा रिव्यू जो हमने बनाया वो देख के यहाँ पे आ रहे होंगे, तो उसमें भी मैंने बताया कि स्काई को बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम आइस से देख सकते हैं कुछ वैसे ही कैप्चर करता है, और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। स्टेबलाइजेशन का आपको पता लग गया होगा क्योंकि अभी फ़ोन के जो डिस्प्ले है उसमें तो ज़्यादा आइडिया नहीं लगता, जब मैं इसे PC में डालूंगा तब ज़्यादा पता लगेगा, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा हाई क्वालिटी पे देखना, तब आपको इसका पूरा आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा रनिंग करता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा स्टेबलाइजेशन कैसा हो रहा है। तो बस इतना ही रनिंग कर पाया अम्ब्रेला पकड़ते पकड़ते। अभी हम शिफ्ट करते हैं सेल्फी कैमरा की तरफ। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, पर पहले हमने 1080p 60fps पे वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा कि एक बार 4K 60fps का भी रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, स्टेबलाइजेशन आपको इसमें भी मिल जाता है एंड क्वालिटी आप देख ही पा रहे होंगे मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट है। अभी नॉर्मली चल रहा हूँ तो अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि 4K 60fps पे अगर आप शूट करोगे तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। अभी शिफ्ट करता हूँ सेल्फी कैमरा की तरफ। सेल्फी कैमरा सैंपल आईफोन SE का 7 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है और इसमें भी आपको सिनेमैटिक स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। ये मत पूछना मास्क कहाँ पे है, यहीं पे है और ग्राउंड में कोई नहीं है। ये मेरा दूसरा टेक है, पहले टेक पे मैंने मास्क पहन के वीडियो बनाया था और बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से मैंने अभी वापस सेकेंड टेक ले रहा हूँ। ऑडियो कैसी आ रही है बताना कमेंट सेक्शन में, और मेरे हिसाब से डायनेमिक रेंज वगैरह भी अच्छी तरीके से, और अगर आप देख सकते हैं ऊपर स्काई भी अच्छी तरीके से कैप्चर हो रहा है, जो बिल्डिंग से पीछे वो भी डिटेल पे दिख रहा है और मेरे फेस भी डिसेंटली एक्सपोज्ड है। इस एरिया में हल्का सा स्ट्रगल किया इसने, वरना अभी सही है। अभी मैं नॉर्मली चलता हूँ जैसे सब व्लॉगर्स चलते हैं, और मैंने हैंड को जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ रखा है, नॉर्मल लेंथ पे पकड़ रखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि थोड़ा सा वाइड तो है कैमरा।
सेल्फी कैमरा जैसे मैंने बहुत सारी मोबाइल्स में देखा है, जैसे रियलमी 6 वगैरह में या इससे पहले जो भी हमने फ़ोन रिव्यू किया है, वो थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता है, ये थोड़ा सा वाइड कर रहा है, तो ये व्लॉगर्स वगैरह के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस साइड मोड़ा, पीछे से स्काई आ रही है, तो उसने अच्छे तरीके से एक्सपोज भी कर लिया है। तो ओवरऑल फॉर 7 मेगापिक्सल कैमरा वीडियो क्वालिटी डिसेंट आ रही होगी, और सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्टेबलाइजेशन, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा है। वीडियो सैंपल्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत किया मैंने इस वीडियो पे, तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, बारिश वगैरह हो रहा था। और हाँ, बारिश की बात कर ही रहते तो बता देता हूँ कि इसमें आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको बारिश में भी फोटोज़ लेना है, वीडियोग्राफी करना है, तो वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मूवमेंट मिस करना पड़ रहा है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि स्विमिंग पूल में जाके डुबके मारो। IP67 का मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसके वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो 4K 60fps में अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, डायनेमिक रेंज भी अच्छा खासा कम कर देता है, पर आपको 4K 30fps तक स्मार्ट HDR मिलेगा, 4K 60fps में स्मार्ट HDR नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपको चॉइस देखना पड़ेगा। एक चीज़ मेरे को बुरा लगा कि इसमें आपको 1080p 30fps पे ही सेल्फी वीडियोज़ बना सकते हो, 1080p 60fps भी नहीं बना सकते हो, पर हाँ ये एक कमी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी मानना पड़ेगा कि एक आईफोन आपको 42,000 में मिल रहा है, थोड़ा सा तो आपको एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स तो होने ही वाला है। तो ओवरऑल मैं बताऊंगा कि अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो मैं बात कर रहा हूँ उस वॉइस को अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, HDR बहुत बढ़िया काम करता है, स्पेशली मेरा स्वीट स्पॉट रहता है 1080p 60fps, उसमें आपका स्टेबलाइजेशन भी नेक्स्ट लेवल मिल जाता है और HDR भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, और आपको सेल्फी कैमरा में भी स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, पर आपको EIS मिल जाता है सेल्फी कैमरे की तरफ, जैसे ये सिनेमैटिक स्टेबलाइजेशन, और वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। एक छोटा सा सेटिंग्स आपको बारे में बता देता हूं, जब भी आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्ड करता है, तो अगर आप ऐसे खड़े हो आपका भी आवाज रिकॉर्ड करेगा और जो सामने खड़ा है उसका भी आवाज रिकॉर्ड करेगा। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें हमें सिर्फ पीछे का साउंड रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर स्टीरियो साउंड को डिसेबल करना पड़ेगा, उसके बाद वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये था इसका कैमरा रिव्यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।